Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. So our topic is going on active and passive voice. Okay, तो हमने बहुत सारे sentences के क्या है active voice और passive voice देख लिए हैं. So we will today start our new topic of active and passive voice is now see perfect present tense active voice and passive voice and perfect past tense of active voice and passive voice. Okay, so we have some sentences over here. I have made over here. We will see how we can make active and passive voice of these tenses. Okay, so first is active voice of perfect present tense. ओके, तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है, उसका एक्टिव वॉइस क्या होता है और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है. सो हमेशा बेटा हम लोग सेंटेंसेस जब भी यूज़ करते हैं या कुछ करते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं. सब्जेक्ट मींस हमारा जो भी सेंटेंस में काम करने वाला है वो. ओके, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. ओके, एक भी होता है, एक से ज़्यादा लोग भी काम करने वाले होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक से ज़्यादा में कैसे आएगा, वी प्ले क्रिकेट. तो बेटा जब क्रिकेट कब खेलेंगे हम लोग, एक से ज़्यादा लोग होंगे तभी खेलेंगे ना, टीम होगी तभी खेलेंगे. अगर वन पर्सन क्रिकेट खेल सकता है, नहीं खेल सकता. क्यों? क्योंकि बॉल डालने वाला चाहिए बेटा, फील्डिंग करने वाला चाहिए, सभी लोग चाहिए. ओके, सो जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं बच्चों और सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है. आई राइट नोटबुक. ओके, आई राइट इन नोटबुक. ओके, जैसे कि मैं नोटबुक में लिखता हूँ. ओके, सो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, मैं अकेला ही लिख रहा हूँ या लिखता हूँ. ओके, लाइक दिस. नाउ सब्जेक्ट इज़ ओवर हियर, आई हैव प्लेड अ गेम. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है बेटा, फर्स्ट वी टेक सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट मैंने बताया बेटा, एट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं. उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंज आया है, लास्ट टाइम अलग था, ये टेंस में कुछ चेंज होता है. हैव हैज़ लगाएंगे उसके बाद, तो उसको हमको क्या करना है, प्लस का मतलब उसमें ऐड करते जाना है. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब थ्री. ओके, वर्ब थ्री जो है बेटा हम लोग क्या है इसमें, यही टेंस में जो है वर्ब थ्री का यूज़ करेंगे. एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब मैं समझाया था मैंने आप लोग को लाइक दिस. ओके, सो आई इज़ अवर सब्जेक्ट, हैव हैज में से बच्चों हम लोग हैव ले लिया. जब यहाँ पे ऑब्लिक लगाया है बच्चों मतलब कि क्या है, का तो हैव का यूज़ होगा या तो फिर हैज़ का यूज़ होगा. ओके, सो आई हैव प्लेड अ गेम, मैंने गेम खेली है. ओके, सो इसी का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे. तो हम लोग ने सीखा है जैसे पैसिव वॉइस बनाने में गेम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो गेम क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट आ जाएगा. द गेम हैज़ बीन. तो यहाँ पे हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि आई वी यू दे जो है उसके साथ हमेशा जो है हैव आएगा, ये याद रखना है. ओके, याद आप लोग को लिखना भी है, आई वी यू दे ये सब्जेक्ट जब भी हो तो हमेशा हैव आएगा. इसके अलावा के जो चार सब्जेक्ट हैं, ही शी इट या नेम, ओके, उसके साथ हमेशा हैज आएगा. तो यहाँ पे एक नेम है, गेम लिखा हुआ है, मतलब कॉमन नाउन है. ओके, सो द गेम हैज़, यहाँ पे हम लोग बीन का ऐड करेंगे, बी डबल ई एन. ओके, द गेम हैज़ बीन प्लेड बाय मी, मैंने एक गेम मेरे द्वारा, एक गेम मेरे ज़रिए एक गेम खेली गई है. ओके, सो लाइक दिस वी कैन कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. ओके, सी द नेक्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट पास्ट टेंस. ओके, तो यहाँ पे बेटा जैसे हमने आगे लिया है वैसे ही लेंगे, फिर सिर्फ एक चेंज करेंगे, यहाँ पे हैव हैज़ की जगह हम लोग हैड लगाएंगे. ओके, अब यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है बच्चों के हैड की जगह जो कोई दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे कि ही शीट आया, कोई नेम आया, तो हैड की जगह हम लोग जैसे वहाँ पे हैव हैज़ की जगह कैसे चेंज किया, हैज़ कर दिया हमने, वैसे यहाँ पे हैड भी चेंज करेंगे. नो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स में क्या आएगा, हैड आएगा. सो सी वी हैव टेकन वन सब्जेक्ट, आई हैड प्लेड अ गेम. ओके, सिर्फ हमने क्या किया वहाँ पे एक्टिव वॉइस के अंदर जो परफेक्ट प्रेजेंट था और यहाँ पे एक्टिव वॉइस ऑफ परफेक्ट पास्ट टेंस है, उसमें सिर्फ हैड का चेंज कर दिया. इट इज़ वेरी सिंपल, आप लोग को एक वर्ड का ही क्या है यहाँ पे चेंज करना रहेगा. आई हैड प्लेड अ गेम, वैसे उसका वहाँ पे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हमारा गेम जो है क्या है पैसिव, जो सब ऑब्जेक्ट है बच्चों हमेशा क्या करेंगे हम लोग फ्रंट में ले लेंगे. द गेम हैड बीन प्लेड बाय मी, तो हैव हैज़ बीन था वहाँ पे, तो उसको क्या कर दिया हमने यहाँ पे हैड कर दिया, हैड वहाँ पे हैव को हटाकर या हैज़ को हटाकर हैड कर दिया. तो हमारा सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया. आई हैड प्लेड अ गेम, दिस इज़ योर एक्टिव वॉइस. तो इसका ट्रांसलेशन होता है, मैंने एक गेम खेली
थी. ओके वैसे ही हम लोग उसका नीचे जो पैसिव वॉइस है उसका कैसे चेंज करेंगे, द गेम हैड बीन प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा एक गेम खेली गई थी. ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. ओके इसको आप लोग को आपकी नोट ओल्ड नोटबुक में लिखना है और इसको याद रखना है बेटा, पढ़ के भूल नहीं जाना है. ओके सो टिल टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इंशाल्लाह. ओके टिल देन अल्लाह हाफिज़.